हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। सक्सेस पॉइंट चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी लाइव टेस्ट सीरीज एंड ऑलरेडी मैं इसको पोस्ट कर दिया था पीडीएफ, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है पीडीएफ बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने नहीं किया है यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, आपको ऑनलाइन पेड टेस्ट से ये टेस्ट बहुत अच्छा है। आप मुझे बताइए, जो टेस्ट मैं दिया हूँ आपको, ये टेस्ट आपको कैसे लगा एंड एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए सही है या नहीं है टेस्ट सीरीज। ओके, तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज अटेंड नहीं किया है, जो यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। जिन्होंने किया है पीडीएफ में डाउनलोड कर, मीन्स में अपलोड किया था, जिन्होंने पीडीएफ लिया है वो पीडीएफ ले सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा टेस्ट सीरीज आएगा, वो आएगा आरआरबी क्लॉर्क के लिए। ओके, आरआरबी क्लॉर्क के लिए एक टेस्ट सीरीज आएगा, वो भी अच्छा टेस्ट सीरीज होगा। आरआरबी क्लॉर्क बेस्ट टेस्ट सीरीज होगा। एंड मे मंडे हमारा रेगुलर क्लास शुरू हो रहा है, हमारा ओएस एसओ एंड दूसरे एग्जाम के लिए। एंड हम जो भी क्लास करेंगे, जीएस हो जाए, मैथ हो जाए, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे वो एसएससी हो जाए, ओएसए हो जाए, ओपीएससी का जो उड़ीसा म्यूनसिपलिटी सर्विस वो भी हो जाए, सभी में पैटर्न सेम होता है। तो कहीं पर मैथ दूसरा नहीं होता है, कहीं पर कहीं पर उड़ीसा म्यूनसिपल का जो सर्विस है उसमें आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए। बट आप नहीं पढ़े हैं तो वेक्टर इंटीग्रेशन वो भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बट सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमको दिया है कि पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट। ओके, चलिए, आपका ऑप्शन क्या है, तो मेरा ऑप्शन मैं यहाँ पे बताता हूँ। आपका ऑप्शन आप तो करेक्ट की अभी तक कर चुके होंगे, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी चार। ओके, जो हमारा चैम्बर है हार्ट में वो चार है। एंड मुझे बताइए वो चैम्बर क्या है। देखिए, हार्ट में जो है ना, हार्ट में जो चैम्बर है, हार्ट तो मैं नहीं बना सकता, ऐसे कुछ हार्ट होता है, ऐसे पंपिंग वाला कुछ हार्ट होता है, तो इसको हार्ट ऐसे बना सकते हैं आप। तो हार्ट के अंदर जो चैम्बर होता है दो होता है अट्री एंड दो होता है वेंट्रीज, दो अट्रीज एंड दो वेंट्रीज। एंड अट्रीज का काम क्या होता है, अट्रीज क्या करता है ना, आपका जो राइट अट्री होता है, एक होता है राइट अट्री, तो एक होता है लेफ्ट अट्री। तो राइट अट्री क्या करता है ना, राइट अट्री का आपका जो ब्लड है ना, जो प्योर ब्लड है, मीन्स एनी ब्लड है, तो ब्लड को क्या करता है, पम्प्स करता है एंड लेफ्ट अट्री को वो सेंड करता है। तो इसका मतलब है हार्ट में कितना चैम्बर है, चार। जिनका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, मैं जल्दी बताऊँगा। देखिए, जिन्होंने वो मेरा स्ट्रैटेजी के बुक एंड मैथ का बुक नहीं खरीदे वो जाके खरीद सकते हैं। उससे बाहर एनटीपीसी तो क्या कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ। अगर इससे उससे बाहर एनटीपीसी क्वेश्चन पूछ गया तो मुझे बता देना। एंड उससे बाहर अगर स्ट्रैटेजी के कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, ये सब चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ कि सिप्पत थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन हुई से। चलिए, इसको आपका आंसर देना चाहिए, सिप्पत थर्मल पावर प्लांट। तो जिनका ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री, कंप्लीट 100 क्वेश्चन से। व्हाट इज द प्लेट कलर ऑफ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विथ द फॉन्ट इन व्हाइट कलर। व्हाट इज द प्लेट कलर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका जो प्लेट कलर है विथ द फॉन्ट इन द व्हाइट कलर, विथ द फॉन्ट इन द व्हाइट कलर, वो क्या है, ऑप्शन लगाइए आपका। क्वेश्चन नंबर थ्री, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ग्रीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर दीजिए। व्हाट इज द प्लेट कलर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विथ द फॉन्ट इन व्हाइट कलर, याद रखना है इसको। हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का करेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये तो सब आप कर चुके होंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए, इसका है जयराम ठाकुर। एंड मुझे बता देना हिमाचल प्रदेश का गवर्नर अभी कौन है, गवर्नर कौन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट इज एन ओर, बॉक्साइट किसका ओर है, बॉक्साइट आपका किसका हुआ, ऑप्शन सी एल्युमिनियम का ओर है। ओके, जिन्होंने ऑप्शन सी मारा है क्वेश्चन नंबर फाइव का वो एकदम करेक्ट, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच कंटिनेंट हैज मैक्सिमम कंट्रीज, कौन सा कंटिनेंट में मैक्सिमम कंट्रीज है। देखिए, ये पढ़ो, ये आपका इंटरनेशनल में आ गया, ये भी क्वेश्चन टीसीएस पूछता है, व्हिच कंटिनेंट हैज मैक्सिमम कंट्रीज। चलिए, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका, अफ्रीका में ज्यादा कंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर सेवन, 106th इंडियन साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन व्हिच स्टेट,
106 इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहाँ पे हेल लिया था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये हुआ था जलंधर पंजाब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, जलंधर पंजाब हो गया हमारा। अभी हमारा क्वेश्चन आएगा, हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन। देखिए इसको तो आपको नहीं करना, ये आपका होगा सुनील अरोरा, ऑप्शन सी जिनने इसको मारा है एकदम करेक्ट है सुनील अरोरा। इन इंडिया द इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इन्फ्लेशन होता है एंड डिफ्लेशन होता है एंड हाइपर इन्फ्लेशन होता है, हाइपर टेंशन होता है, ये सब जितना है आपको पता है कि मैं आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स लेक्चर में बता दिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, सबसे अच्छे तरीके से मैं ही समझाया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बोला है, जो इन्फ्लेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका ऑप्शन आप चूक कर दीजिए, कंज्यूमर प्राइस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, सैचुरिटी। देखिए सैचुरिटी, सैचुरिटी रेगुलेटर रेशियो, इसमें ये इन्फ्लेशन से कोई नाता नहीं रखता। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन में कोई दिक्कत नहीं रहता। भाई होलसेल से क्या दिक्कत है, जब भी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो होलसेल में क्या होगा, होलसेल से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। इसका मतलब प्राइमरी फैक्टर हमारा जो भी होगा वो फैक्ट्री जैसे होगा। इसका मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये भी नहीं है, लिक्विडिटी एडजस्ट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये इन्फ्लेशन में कोई काम नहीं करता। बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI होता है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, तो इसके वजह से ये होता है कि आपका कौन सा इंडेक्स बोला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडेक्स दिया है मीन्स आपको लगाना होना कि ये फैसिलिटी है, ये रेशियो है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही बचा है सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जिन्होंने इसका आंसर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको दिया है एकदम करेक्ट है। बजरंग पुनिया इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट्स। देखिए ये अभी चर्चित खिलाड़ी थे 2019 में, इनको गोल्ड मेडल भी मिला था 65 kg ये इसमें। तो ये जो बजरंग पुनिया है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपका रेस्टलिंग है। ओके 65 kg में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल बजरंग पुनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस। ओके ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्रोन इज द करेंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। क्रोन किसका करेंसी है, क्रोन इज द करेंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, क्रोएशिया, डेनमार्क, स्वीडन, हंगर। क्रोन इज द करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री, चलिए तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। जिन्होंने ऑप्शन डेनमार्क मारा है एकदम करेक्ट है। आप अपना नंबर काउंट कीजिए कितना आपका सही हो रहा है, एंड इससे अच्छा टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगा, इससे भी अवेलेबल लाऊंगा एंड वो भी फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड एक एक टेस्ट सीरीज को कितना पैसा लेता आप पता है। बखिल टर्म इज यूज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, बखिल टर्म ओके इज यूज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ये सभी याद रखना बखिल टर्म। ओके ये गोल्फ के लिए है, हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका आंसर आप लगा चुके होंगे, तो इसका आंसर है फुटबॉल। तो बखिल टर्म होता है ना वो आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। इसरो लॉन्च इंडियाज फास्ट मैंड मिशन टू स्पेस गगनयान बाय। ओके इसरो टू लॉन्च इंडियाज फास्ट, देखिए इसरो अभी इंडियाज अभी चंद्रयान टू लॉन्च हुआ है, उसके बाद वो बोला कि फास्ट मैंड मिशन ओके गगनयान, गगनयान में मैन जाएगा, ओके मनुष्य जाएगा गगन आपको गगनयान जो आपका होगा उसमें। तो मीन्स कब तक वो प्लान किया गया है, ये आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ये आपका प्लान क्या है 2022 ओके 2022 में वो इसरो भेजेगा क्या मैन मिसाइल स्पेस सैटेलाइट गगनयान टू द स्पेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2022। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अप्लाई टू रिलीव बी स्ट्रिंग। ओके इनमें से कौन सा चीज़ जो अप्लाई करेंगे, जो बी स्ट्रिंग बी जो आपका स्ट्रिंग होता है इसमें क्या आता है फोलिक एसिड, बी स्ट्रिंग में क्या होता है फॉलिक एसिड, जितने में स्टिंग होता है फॉलिक एसिड। बट फॉलिक एसिड तो अगर बी आपको डसेगा तो आपको दर्द होगा, बट रिलीफ पाने के लिए आपको कौन सा यूज़ करना होगा, ब्लीचिंग पाउडर, राइट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो एक ही होगा, तो बोरिंग ऑप्शन सॉरी आपका बेकिंग सोडा, माई मिस्टेक, बोरिंग तो ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, वॉशिंग सोडा नहीं है, बोरिक एसिड नहीं है, तो बेकिंग सोडा अगर यूज करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको रिलीफ मिलेगा। बट आजकल क्वेश्चन में आ रहा था कि बी का स्टिंग में कौन सा एसिड है, वो हमको पता है कि फॉलिक एसिड। बट अगर आपको पूछ लिया कि रिलीफ के लिए कौन सा है, आप घबरा जाएंगे, यहाँ पे बेकिंग एसिड है। आप कहीं से भी है टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं मिला होगा आपको। देखिए इन सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस इज कैरिड आउट बाई व्हिच ऑर्गेनिज्म। ओके बोले कि सेल्स में सिंथेसिस जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस वो किस ऑर्गन के वजह से को कैरी होता है, वो सिस्टीन का आंसर आप लगा दीजिए। आपका आंसर क्या होगा, मेरा आंसर है मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर करेक्ट आंसर है राइबोसोम। क्या होगा राइबोसोम, चलिए देखते हैं आपको कितना करेक्ट हुआ। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप नहीं बता रहे ये बहुत गलत बात है,
जो सीरियस कैंडिडेट है बताइए भाई, खराब सोचने की क्या बात है, एनीथिंग बट मैं आपको फ्री में टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, फ्री में सभी दे रहा हूँ, आप परचेज कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, आपको इससे अगर अच्छा वो टेस्ट सीरीज का जिसे जीएस मिल रहा है तो मुझे बता देना, ओके। एनीथिंग बट खामोश इज द प्राइड ऑफ योर, एनीथिंग बट खामोश, देखिए यहाँ पे अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा ना, बट आप बता देंगे कैसे, खामोश क्या है, खामोश, खामोश कौन बोलता है हिंदी सिनेमा में, शत्रुघ्न सिन्हा, तो इसका आंसर क्या होगा 17 का, शत्रुघ्न सिन्हा, अगर नहीं भी पता होगा तो खामोश, ये फेमस डायलॉग है शत्रुघ्न सिन्हा का। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट, NO2CO2 या NO2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो NO2CO3, अगर सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो NO2CO2, अगर सोडियम कार्बोनेट पूछा तो NO2CO3, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन कौन है, ये सबको पता है, अभिनव कांत, ओके, ये कौन है, 19 सॉरी आई थिंक राजीव कुमार है, ओके, तो राजीव कुमार इसका करेक्ट आंसर है, राजीव कुमार नॉट अभिनव कांत, अभिनव कांत नहीं, ये गलत है, तो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के राजीव कुमार, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर राजीव कुमार जिसका आंसर है एकदम करेक्ट है, राजीव कुमार, माय मिस्टेक। धोला सदिया ब्रिज इज लोकेटेड इन हुइस रिवर, ये अभी न्यूज में था, धोला सदिया बीच ब्रिज इज लोकेटेड इन हुइस रिवर, चलिए इसको मुझे बताइए, कृष्णा गोदावरी लोहित मंडावी, क्वेश्चन इसका किसका सो, तो इसका आंसर जो लोहित, लोहित नदी के ऊपर आपको धोला सदिया ब्रिज लोकेटेड है, ये सभी मैं स्ट्रेटेजी के में मेरा बुक में कवर किया हूँ, एंड मैं मेरे बुक में 40 से 42 टॉपिक लिया हूँ, जिसमें आपको एक भी स्ट्रेटेजी के बाहर नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, बहुत अच्छे से उसको बनाया, बहुत सोच समझ के, बहुत से सर्च करके बनाया वो सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का गवर्नर अभी कौन है, चलिए तो इसका है आंसर है कलराज मिश्रा, कौन है इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर है लालजी टंडन, मध्य प्रदेश का है कौन, लालजी टंडन आपका मध्य प्रदेश, हाँ लालजी टंडन इसका मध्य प्रदेश का है, अभी रिसेंटली लालजी टंडन, ओके तो आप देख लेना लालजी टंडन है, ओके तो मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है, लालजी टंडन, ओके देख लेना। वट इज द मोटिव इमेज बिहाइंड द न्यू RS 20 डिमिनेशन बैंक नोट, जो बोल रहा है कि 20 नोट आएगा उसके जो पीछे वो कौन सा यूनेस्को हेरिटेज साइट हो गया, फिर वो रहेगा हम्पी रहेगा, एलोरा रहेगा, देखिए कंचनजंगा तो ये छोड़ दिए इसको, हम्पी तो ऐसे छोड़ दिए, एलोरा या अजंता, इन दोनों में से क्या होगा ऑप्शन, मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर होगा एलोरा, ऑप्शन बी, एंड अजंता आगा होगा 50 रुपीज़, ओके तो ये सब छोड़ दीजिए। व्हेन डिड अलेक्जेंडर ग्रेट रूल, अलेक्जेंडर आपका कभी रूल किया था, 356 to 323 BC, 378 to 347 BC, 345 to 312 BC, 365 to 320 BC, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 356 to 323 BC, बहुत इजी क्वेश्चन सर, अलेक्जेंडर, ये सभी मैं स्ट्रेटेजी को मैंशन कर चुका हूँ, हिस्ट्री का हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटिक्स का हुआ। हु ऑन द बैटल ऑफ तारेन 1191, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन से, बैटल ऑफ तारेन जो हुआ था इसको किसने जीता था, इसको जीता था आपका पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान आपने जीते थे 1191 तारेन में, एंड 1192 बैटल ऑफ सेकेंड तारेन में कौन जीता था मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितना इसको करेक्ट देते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व एवरी डे ऑन हुइच डे, तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब ऑब्जर्व होता है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका ऑप्शन कौन होगा, ये होगा आपका 11 अक्टूबर, जिनका 11 अक्टूबर है एकदम करेक्ट है, 11 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। हुइच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ हाईकोर्ट जज, हाईकोर्ट जज के लिए कौन सा आर्टिकल है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दिए, 217 आर्टिकल 217 होता है हाईकोर्ट जज को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का मूव करिए, पंठी इज द फोक डांस ऑफ हुइच स्टेट, ओके पंठी किसका फोक डांस है, सॉरी तो इसका आंसर आप लगाइए, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंठी, अगर आपको पता नहीं यहाँ से भी देख लीजिए, अभी कभी भूलना नहीं, वो होगा छत्तीसगढ़, ओके छत्तीसगढ़, चलिए फोक डांस है पंठी। दच्चीगाम नेशनल पार्क सिचुएटेड, दच्चीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे आपका सिचुएटेड है, ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर, ओके कंप्लीटली मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी के ना, स्ट्रेटेजी के कितना क्वेश्चन आता है, चाहे वो RRB NTP से हो जाए, चाहे जो भी क्वेश्चन हो जाए, स्ट्रेटेजी के मोस्ट मीन्स 40 से तो मिनिमम आपको 8 to 10 आपको स्ट्रेटेजी के ही मिलेगा, एंड मिनिमम 10 आपको मिलेगा क्या आपका करंट अफेयर्स, उसके बाद जो बच गया 20 वो सफल हो जाएगा, याद रखना।
हु गॉट संसद रत्न अवार्ड 2019 में संसद रत्न अवार्ड किसको मिला था? अनुराग ठाकुर, सुप्रिया सुले, राजीव कुमार एंड राजीव सतव। तो संसद किसको मिला था? अनुराग ठाकुर। एंड 2018 में मिला था भर्तृहरि महताब। किसको मिला था? भर्तृहरि महताब। चलिए अगर 2018 में पूछा तो सूरत इज सिचुएटेड इन व्हिच बैंक ऑफ रिदर। सूरत जो है वो किस बैंक किसी नदी के ऊपर आपका ये है, वो है आपका तप्ती। ऑप्शंस डी इसका करेक्ट आंसर है। जो सूरत है वो तप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। वेयर इज द हेडक्वार्टर एशियन? एशियन जो है उसका हेडक्वार्टर का है ये आपका इंडोनेशिया जाकर्ता। चलिए नेक्स्ट। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एग्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? चलिए देखिए आप इसको ऑलिमिनेट करते हैं। देखिए जो एग का स्टडी को होता है ना उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक स्टडी। चलिए इसका आंसर दीजिए। जो इसका आंसर होगा वो होगा ओओलॉजी। ओके याद रखना इसको, ओओलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो कौन सा ऑक्साइड है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं? अल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर। जो इसका आंसर आपका होगा वो होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है ना वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, इसको याद रखना। मैग्नीशियम रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। उसके बाद देखिए अनायन्स आर फॉर्म्ड बाय, जो अनायन होता है कैटन होता है। अनायन किसके वजह से फॉर्म होता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ प्रोटॉन, लूजिंग ऑफ न्यूट्रॉन। जो अनायन होता है वो होता है आपका गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो कैटन होता है वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखना। एंड आपका जो देखिए जब इलेक्ट्रॉन आपको गेन करेगा तो क्या होगा आपका, एंड जब इलेक्ट्रॉन आपको लूज करेगा तो क्या होगा? जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन ये करेगा तो पॉजिटिव। इसका मतलब कैटन पॉजिटिव, अनायन नेगेटिव। ओके चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज कार्बोरिक एसिड? कार्बोरिक एसिड इनमें से कौन है? फिनॉल, एसिटॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, इथानॉल। तो इसका आंसर बहुत ईजी है। क्वेश्चन देखिए, जो फिनॉल होता है ना वो होता है आपका कार्बोलिक एसिड। सो कार्बोलिक एसिड कौन होता है? वो होता है फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क? तो आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा फाइबर को करते बोलते हैं? वे बोलते हैं आपका रेयन को। रेयन को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। जिनका ऑप्शन करेक्ट है वो करेक्ट मार्क के चले। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन नहीं? फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सॉरी ये तो फोर्स इज, फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। बट आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ओनली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड नहीं है। तो ये आपका आंसर है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए, व्हाई डज वाटर टैंक अपीयर शैलोर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफ्रैक्शन तो नहीं होगा, अगर होगा रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर आप बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एंड ऑप्शन डी पी यहाँ पे गलत हो गया, ये आपका ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे। तो आपका जो आंसर होगा 38 का वो होगा ए, ओनली रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन से, प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ? आपका जो प्लांट सेल है ना वो किसके, प्लांट का जो सेल है वो मेनली उसका जो कंपोज्ड है वो क्या है? वो आपका है, मैं यहाँ पे मेंशन कर चाहूँ सेलुलोज। ओके यहाँ पे लिख दिया हूँ सेलुलोज। तो प्लांट सेल आपका सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर्स? कौन सा डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है? वो आपका चिकन फॉक्स है, कैंसर है, कोलेरा है। देखिए कैंसर एंड ट्यूबरकुलोसिस इन दोनों को हो सकता है, बट आपको पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉन कम्युनिकेबल, तो आप देख लेना कि ये आपका चिकन पॉक्स हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, बट कैंसर आपका नॉन कम्युनिकेबल, हेरिटेज हो सकता है बट नॉन कम्युनिकेबल नहीं हो सकता। ओके तो 40 क्वेश्चन हम डिस्कस किए, आपको कितना करेक्ट रहा? तो इसका आंसर कैंसर होगा, 100% होगा कैंसर, इससे कुछ नहीं होगा। मैम क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको कैसा लगा जीएस का क्वेश्चन मुझे बता देना। अभी हम नेक्स्ट को मूव करेंगे हमारा पार्ट वाइज मैथ का क्वेश्चन को। तो मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली डायग्राम दे दिया है आपको। ये आपको डीए का डायग्राम है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1000 हु चूज फॉर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ड्यूरिंग द गिवन 5 years इन कॉलेज। नेक्स्ट 2014 में आपका बीएससी 5000, बीकॉम 15000, बीकॉम 35000, बीबीए 15000। ये आप मीन्स आपका जो येलो कलर है ये आपका बीकॉम के लिए, जो ब्लू कलर है बीएससी के लिए, एंड जो आपका प्लेन कलर है, कोई कलर नहीं है, वो बीबीए। ओके तो नेक्स्ट
हम क्वेश्चन अभी मूव करेंगे। क्वेश्चन को मूव करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता पढ़ के बताता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बीकॉम इन 2016, मीन्स बीकॉम बोल रहा है कि 2016 एनटीपीसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इससे लेवल अच्छा अगर नहीं मिल गया, अगर इससे अच्छा लेवल आपको मिला मुझे बता देना। 2017 एंड बीकॉम इन 2006 एंड 2017, सॉरी 16 प्लस 17 बोल रहा है, 16 यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे 16, क्योंकि हमको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है ना। 16 प्लस 17 एंड बी एस सी इन 2014-15 किसका? बी एस सी का, किसका? बी एस सी का ये पूछ रहा है, तो ठीक है हम लिख ले, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन फिगर लाएंगे यहाँ पे हमको, चलिए अभी यहाँ पे हमको देखना आ जाना, देखिए आ गया। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बी कॉम का 16 का है, हमको 1000 सॉल्व करना है 16 में क्या बोला है, बी कॉम बीकॉम येलो कलर है, तो 16 यहाँ पे इसका मतलब ये 25 पे 25,000 इस। उसके बाद क्या बोल रहा है बीकॉम इन 2017 ने 30, तो 25 प्लस 13 कितना होगा 55, तो 55 एंड बीएससी में 14-15 बीएससी 14 क्या है 5,000, 15 में क्या है 15,000, तो 20, तो 5 से चला जाएगा 11 बार 5 से जाएगा 4, इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा तो बोल रहा है कि 11:14 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो होगा ऑप्शन यहाँ पे बी। ओके आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओके 11:4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस सभी को सॉल्व करना, इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इन 2015 वाज 91,906, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर द गिविन थ्री कोर्सेस वे अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। देखिए कितने लोग इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करते हैं, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। बोला कि इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इन 2015, इसको लिखना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट्स इन 2015 वाज 91,006, ओके द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर द गिविन थ्री कोर्सेस वेयर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। ओके क्या बोल रहा है कि हमारा तो स्टूडेंट है 91,006, ये टोटल नंबर स्टूडेंट्स है। बोला कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु सॉरी इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज 2015 वाज 91,006, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर द गिविन थ्री कोर्सेस वेयर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट। इसका मतलब है सेम क्वेश्चन से इसको आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना 5, 20 ये हो जाएगा आपका 55, तो 55,000 एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, तो कितना है आपका 91,006 दैट इज 55,000 डिवाइडेड बाई 91,006 इंटू 100, ये अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट होगा, इसको काट सकते हैं, दो से कटिए, थ्री दो से कटेंगे, ओके 2,750। ओ ये कहीं से कटेगा नहीं, आप इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये तो हो जाएगा ही, जिसे 275 हमको क्या दिया 4,000 होगा क्योंकि, एंड इसको अगर मैं 4,5,0,3 ओके एक सेकेंड इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये लगभग मुझे दे देगा, देखिए ये 27 है ना, तो दो से नहीं, ये लगभग कहीं नहीं, अच्छा 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 सॉरी, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है क्या, एक सेकेंड बोले इधर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इन 2015 वाज 91,006, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऑप्टेड फॉर द गिविन थ्री कोर्सेस वेयर अप्रोक्सीमेटली, अच्छा अच्छा यहाँ पे पूछा है कि आपको कि यहाँ पे टोटल नंबर स्टूडेंट्स बोला कि 2015 बोला, हम 2014 को काउंट किया ना, वो गलत हो गया, ओके ये बहुत बड़ा गलती हो गया, तो अब 2014 को काउंट करना, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय आपका जो ऑप्शन होगा वो इसको सॉल्व करना, वो 60,000 है, माई मिस्टेक्स, वो हमको 2014 कैलकुलेट कर दिए थे, ये 60,000 से सॉल्व करना, इसको 60,000 से आपको सॉल्व करना है, ये 60,000 माई मिस्टेक, ओके 60,000 डिवाइडेड बाई 91,006 इंटू 100, ओके इसको सॉल्व करना, अभी सॉल्व कीजिए, ये 3,000 हो जाएगा, सॉरी 30,000 हो जाएगा, इसको सेम रहेगा,
तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा एक बार, ये हो जाएगा 30 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 4 5 0 3। अगर मैं इसको सॉल्व किया ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 34 अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको 40 प्लस, हाँ लगभग 44% आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है देख लेना इसको सॉल्व करके, लगभग 44% आ रहा है। बोले व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बीबीए एंड बीबीए, ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बीबीए इन 2014 एंड 2015, ये भी इजी क्वेश्चन से अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, ये नहीं सॉल्व करा। सिमिलरली आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर द गिवन थ्री कोर्सेज इन द ईयर 2018, 26% वेर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज ऑप्टेड इन बीएससी इन द सेम ईयर। ओके, और बोला कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर द गिवन थ्री कोर्सेज इन द ईयर 2018, 26 मीन्स जितना भी आपको दिया ऐड कर देना, उसमें 26 गर्ल्स है तो 24 बॉयज कितना होगा, वही बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सॉल्व कर लेना सभी। व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, इनका मोड क्या है, मैं आपको मोड बताया था कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका मोड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर, देखिए 7 कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 13 कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 5 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 11 कितना बार आ रहा है, एक आ रहा है, तो 15 कितना बार आ रहा है, एक ही बार, इसका मतलब 5 ही सबसे हाईएस्ट है तो रिपीटेशन है तो 5 का, तो इसका आंसर होगा 5, जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन इजी क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर होगा 7, इसको नहीं बताना चाहिए, आप इसको तो बहुत बार सॉल्व किए होंगे। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो, इसका रेंज आपको निकालना है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, सब इस इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन से, मुझे देख रहा है कि 31 है सबसे हाईएस्ट, 31 से सबसे लोएस्ट, इनमें से सबसे जो लोएस्ट है उसको मुझे माइनस करना है, मुझे सबसे लोएस्ट देख रहा है 4, अगर मैं 31 से 4 करता हूँ मुझे कितना मिलता है 27, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो रेंज क्वेश्चंस बहुत इजी होता है। इफ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है देन ये भी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है तो थीटा वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा तभी तो 2 होगा, नहीं तो हम लिख सकते हैं इसको टैन थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते, तो 1 बाई टैन थीटा लिख सकते हैं, इसको कॉट थीटा को 1 बाई टैन थीटा लिख सकते हैं, एंड ये हमारा ए अगर 2 है, अगर हम पढ़े कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू अगर 2 है तो एक्स का वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा 1 होगा, तो इसका आंसर भी पावर भी जो कर दी 1 का वो 1 का, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो, इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के सबको ऐड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है तो डिवाइडेड बाई, तो हमको 7 ही करना है, एंड जो ऑप्शन आएगा वो 7 से तो डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि देखिए ये 16 24 38 48 48 plus 29 means 77, इसका मतलब जो इसका मीन है वो होगा 11, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देयर आर टू हाउसेस ऑफ द सेम हाइट, ओके तो हम कहाँ पे थे, हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। देर आर टू हाउसेज ऑफ द सेम हाइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए 20 मीटर वाइड रेड, बोला कि देर आर टू हाउसेस ऑफ द सेम हाइट, दो हाउस है ऑफ द सेम हाइट ऑफ ए 20 मीटर वाइड रोड, ये कितना है 20 मीटर रोड का लेंथ है। From a point on the road, the elevation angles of the house are 30 degree respectively. तो बोला है कि एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एंड यहाँ से जो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है 30 degree एंड 60 degree. ओके और बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, आपको क्या फाइंड करना है, किसका फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, जो हाउस का हाइट आपको फाइंड करना है। चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए मैं मान लूँ अगर ये मेरा एक्स है, ओके आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, अब मैं मान लूँ अगर एक्स है, अगर मेरा टोटल 20 है तो ये कितना हो जाएगा, ए साइड कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सपोज मान लूँ कि ये पॉइंट है, ओके ये एक्स है, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, हो जाएगा नहीं जाएगा, अगर एक्स है टोटल 20 है तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका मतलब है इतना याद रखेगी अगर 30 के सामने पेन काम नहीं, अगर देखिए ये 60 है ऊपर वाला 60 है एंड ये आपका टोटल 90 डिग्री है ना, तो
तो 60 के सामने वाला x है, तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा, सिर्फ x में रूट थ्री आपको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, ये हो जाएगा x रूट थ्री, समझ में आ गया, x रूट थ्री। एंड यहाँ पे 60 के सामने ये आपका 30 है, 60 के 30 के सामने वाला 20 माइनस x है, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा ना, 20 माइनस x रूट थ्री। ओके, तो सॉरी ये आपका डिवाइडेड बाई रूट थ्री, 30 के सामने वाला डिवाइडेड बाई रूट थ्री। ओके, यहाँ पे रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर 60 के सामने हमको निकालना है। अभी हमको हाइट सेम दिया है, इसका मतलब x बाई रूट थ्री का वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 20 माइनस x इंटू रूट थ्री, ये हो जाएगा, होगा या नहीं होगा मुझे बताइए। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे अगर ये टोटल रूट थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास क्या बचेगा, इंटू रूट थ्री हो जाएगा 3, मीन 60 माइनस 3x। ओके, एक सेकेंड कहाँ पे गया, हाँ माई मिस्टेक, चलिए गुड, वन सेकेंड, अच्छा ये 60 है ना, एक्स बाई रूट थ्री करेक्ट है, ये एक्स है, ये 20 माइनस एक्स रूट थ्री, ठीक है। तो ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, तो हमको एक्स में आपके तो एक्स का वैल्यू हम निकाल देंगे, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 ये यहाँ पे आ जाए 4x में, एक्स का वैल्यू सॉरी, ठीक है हमारे, तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा 15, मुझे एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा 15, एंड मुझे हाइट निकालना है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 15 यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा ना 15 डिवाइडेड बाई रूट 3, ये पे पुट कर देता हूँ एक्स का वैल्यू, तो मुझे हाइट पता चल जाएगा, बट यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऊपर एक रूट 3 मल्टीप्लाई करना है, 15 रूट 3 बाई 3 दैट इज 5 रूट 3। ओके, 5 रूट 3 मीन्स 5.5 मीटर, इसको आप लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं, 5.5 मीटर इसका आपका करेक्ट आंसर, समझ में आ गया, इसे क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है। एंड चाहे तो आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं 15, ये भी आपका 5 रूट 3। ओके, तो 5 रूट 3 मीन्स रूट 3 का वैल्यू आप 1.7 पुट करके आप 5. मीन्स 5 को अगर मैं 1.7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1.73 यहाँ पे नहीं दिया है, 8.5 हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है, 8.6 मीटर अप्रॉक्सीमेटली 8.6 मीटर, माई मिस्टेक, यहाँ पर देख लेना आपका 8.6 मीटर। यहाँ पे आपको मीडियन फाइंड करने बोला है, मैं हर बार आपको बता चुका हूँ मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, आप खुद इसको आंसर बता सकते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ द नंबर। तो दिया है कि इफ sec x प्लस tan x इक्वल टू 4 देन फाइंड sec x, देखिए sec x प्लस tan x इक्वल टू 4 देन sec x माइनस tan x कितना हो जाएगा 1/4। ओके, एंड हमको क्या पूछा है, 2 sec x ऐड कर दीजिए, 2 sec x इक्वल टू कितना होगा 17/4, एंड sec x का वैल्यू क्या होगा 17/8, जो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है 17/8। नेक्स्ट, एक सेकेंड, ओके, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन, ए मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हिज सम रेंट, इफ ही लेफ्ट, देखिए इफ ही इज लेफ्ट इज 2400 देन हाउ मच ही स्पेंड ऑन फूड। नहीं, अब क्या करेंगे, ए मैन 30% ऑफ इनकम ऑन फूड, 40% चिल्ड्रन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग। ओके, आपको याद रखना होगा यहाँ पे देखिए 80%, आप सबको ऐड नहीं करना है, ऐड करेंगे तो फंस जाएंगे, यहाँ पे 80% ऑफ द, इसका मतलब 35% ऑफ, सपोज मैं मान लो कि इनिशियल उसका इनकम था 100, इनमें से वो 35 खर्च कर दे इनकम में, मीन्स 25 खर्चा कर दे एजुकेशन में, तो बच गए उसके बाद क्या 45%, एंड 80% ऑफ 45, एंड
उसके बाद क्या है, जो रिमेनिंग बचा उसका 80% वो क्या कर दिया, खर्चा कर दिया हाउस रेंट में। तो उसके पास बचा कितना, 20% ऑफ मीन्स 1/5 ऑफ 45 बचेगा, ये तो बचेगा ना, बचेगा नहीं, ये हो जाएगा 9। तो आपको हाउ मच इज स्पेंड ऑन फूड, ओके, तो स्पून मीन्स फूड में कितना स्पेंड किया है, मुझे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सपोज उसका टोटल इनकम था 100, ओके, 100 में से वो मैन स्पेंड किया 35% ऑफ इज इनकम ऑन फूड एंड 25% ऑफ चिल्ड्रेन एजुकेशन, मीन्स कितना खर्चा किया वो 60% को खर्चा कर दिया, कहाँ पे 60% तो ऐसे ही खर्चा कर दिया, उसके पास उसका बच गया 30% से 80% तो खर्चा कर दिया, बच गया कितना 20% मीन्स 1/5, तो 1/5 ऑफ 30 इक्वल टू आपको कितना आ गया मैंने 2400, इसका मतलब है 8 का 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, हमको किसका पूछा है, हाउ मच स्पेंड ऑन फूड, फूड में कितना स्पेंड किया 25, तो 25 फूड में कितना, सॉरी 35 स्पेंड किया, तो 35 का वैल्यू क्या होगा ना 35 × 3 10500, ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मुख पीछे, हे होलसेलर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ओके, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ गए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बोले कि ए होलसेलर अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, सपोज मार्क प्राइस उसका 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा 75। तापर क्वेश्चन पूछे अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क ऑन हिज गुड्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 29%, मीन्स वो बोला कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे सब लीजिए, सपोज मेरे कॉस्ट प्राइस मान लूँ 100 rupees, तो प्रॉफिट बोला कि अगर होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए मुझे 129 rupees अगर प्रॉफिट होगा, बट ये आपका सेलिंग प्राइस है। उसके बाद बोला कि इस मार्क प्राइस से हम यहाँ से मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते, यहाँ से मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते कि मार्क प्राइस क्या होता है ना, सेलिंग प्राइस 129 × डिस्काउंट, ओके, ये सिंपल फॉर्मूला से बता रहा हूँ, अभी इसको इजी मेथड से बताऊँगा, 75 / 3/4, ओके 3/4, इसका मतलब है ये जो भी आंसर आएगा ये लगभग आपका मीन्स क्या होगा, मीन्स पॉइंट में आएगा, जो भी आंसर आएगा पॉइंट के भी ये चार से कटेगा नहीं, ओके, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, क्योंकि बोले अप्रोक्सीमेटली हाउ मोर परसेंट मोर देन, ये 100% मान लिया, सपोज कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया, इंक्रीज हो गया 129% हो गया, 29% हो गया इंक्रीज हो गया, तो मार्क प्राइस जितना परसेंट होगा इसके बाद वो कितना परसेंट मोर है, तो यही आपको परसेंट निकाला, तो ऑब्वियसली देखते हैं क्या होता है, 387/4 हो रहा है मार्क प्राइस, अभी बोला कितना परसेंटेज अप्रोक्सीमेट हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो मार्क कॉस्ट प्राइस 100 है, मार्क प्राइस मेरे पास कितना आया ना 387 डिवाइडेड बाई 4, इसको माइनस इससे मीन्स 100 को माइनस करेंगे इससे किससे सेलिंग मीन्स अभी हमारा जो मार्क प्राइस आया तो कितना मिला, मार्क प्राइस को बढ़ाना है ना, कॉस्ट हाउ मोर देन द कॉस्ट प्राइस बढ़ा के मार्क प्राइस लाना है, तो ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 13/4, ये हो जाएगा 13/4, तो 13/4 मेरा मार्क प्राइस होगा, तो 13/4 अगर परसेंटेज में निकालें उसके बाद इसका कॉस्ट वाइज निकालेंगे, तो कॉस्ट वाइज अगर निकालूंगा तो कॉस्ट वाइज इसका एक्चुअली था कितना, तो ये आपका तो कॉस्ट प्राइस था डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 400 × 100, ओके, इसको करना तो ये लगभग 57 point something आएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे इसको इसको ऐसे नहीं करना, आपको करना ये होलसेलर अलाउज 20, देखिए 25% डिस्काउंट मीन्स 1/4, अगर मार्क प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए उसका, डिस्काउंट दिया मीन्स 3 होना चाहिए, बोला है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क ऑन हिज गुड्स, ओके, टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 29%, इसका मतलब है 29% मीन्स 29/100, इसका मतलब अगर 100 उसका कॉस्ट प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका 129, ओके, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस सेल करना है, सेलिंग प्राइस मुझे सेल करना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस वो क्या बोल रहा है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स ऑन हिज गुड्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 29%, ओके, तो मुझे यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेल करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 43 को मल्टीप्लाई करेगा, अगर यहाँ पे मैं 43 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मैं 43 को मल्टीप्लाई करता हूँ ये हो जाएगा 72, ओके, समझ गए 72 हो गया, ये 52 आंसर नहीं हो रहा है, आंसर हो रहा है 72, ओके, तो मेरे पास अभी कॉस्ट प्राइस में माना था मेरा था 100 rupees, मार्क प्राइस कितना आया 172, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ 72%, ध्यान रखना वहाँ पे कुछ गलत हुआ रहा था, तो इस टाइप का क्वेश्चन का ऐसे करना है, नहीं तो वो 100 मान के नहीं करना है, इसको करना है ऐसे, ओके, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस सेम करना है, क्योंकि यहाँ पे भी ए होलसेलर अलाउज 25 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में डिस्काउंट दिया उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, चलिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है लाइक एक लाइक तो बनता है, और लाइक नहीं करते क्योंकि मुझे पता नहीं,
आपका चैनल दूसरे चैनल करते हैं, हमारा चैनल क्यों नहीं करते, हम कोई कंटेंट नहीं देते क्या? डिवाइड आर एस 1395 एमएम अंचल, ये आप कर सकते हैं रिस्यू 1395 को, ये मैं नहीं करता हूँ, आप कीजिए क्योंकि टाइम आपको परमिट नहीं करेगा। प्रियंका इन्वेस्ट आर एस 45,000 फॉर 5 मंथ्स एंड शिखा इन्वेस्ट 60,000 फॉर 5 मंथ्स इन ए बिजनेस, तो व्हाट इज शिखा शेयर्स इन ए प्रॉफिट? मैं आपको एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत बार समझा चुका हूँ, मीन्स आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड होता है आपका प्रॉफिट, आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में खूब बताना, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, ए ट्रेन 440 मीटर्स लॉन्ग टेक 60 सेकंड टू क्रॉस ए मैन वॉकिंग 9 किलोमीटर पर आवर इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, इसको इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व करना है, 440 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 18 बाई 5 इक्वल टू 9, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है इसका मतलब स्पीड होगा 9 प्लस 6। ओके, इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 16 है ना, 2 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 8 बार, 8 से जाएगा 55। ओके, तो 5 से जाएगा 11, इसका मतलब है 9 प्लस x का वैल्यू मेरे पास कितना मिला, 99, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना मिल जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कीजिए। द एवरेज वेट ऑफ 12% इंक्रीजेस बाई 1.5 केजी व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन ए प्लेस ऑफ वन देन वेइंग 55 केजी, व्हाट माइट बी द, देखिए ये क्वेश्चन को मैं ट्रिक से, मैं आई थिंक ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया था कि 12% का इंक्रीज हो गया, कितना 12% का मिलकर इंक्रीज हो गया 1.5 केजी, मींस टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 12 × 1.5 कितना इंक्रीज हुआ, 12 × 1.5 दैट इज 30 केजी इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ मेरे पास 30 केजी, द एवरेज वेट ऑफ 12% टोटल इंक्रीज हुआ 30 केजी, कब इंक्रीज हुआ, व्हेन ए न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 50 केजी, जब भी एक न्यू पर्सन आया, ओके, जिसका वेट था 55 केजी तभी कम हो गया, इसका मतलब है पहले जो एवरेज था, ओके, पहले जो एवरेज था वो एवरेज से कुछ कम लिया होगा तभी तो, देखिए अगर वो 55 लाया है, 55 केजी लाया है, तो सब में 55 बढ़ जाएगा, ओके, 55 बढ़ जाएगा, इसका मतलब है इंक्रीज कितना हो, टोटल इंक्रीज, सॉरी, ये 55 से ज़्यादा लाया होगा तभी तो एवरेज इंक्रीज, तो 55 से कैसे कितना ज़्यादा लाया, बट विद द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, जो बाहर निकल गया उसका वेट था 55 केजी, जो बाहर निकल गया उसका वेट था 55 केजी, इसका मतलब सभी का वेट कितना है 55 केजी, बट जो एक अंदर आया, वो क्या आया, वो आने के बाद 1.5 केजी इंक्रीज होगा, इसका मतलब है जो लाया होगा तो एवरेज से ज़्यादा लाया होगा तभी तो इंक्रीज हुआ ना, नहीं तो कैसे इंक्रीज हुआ, तो एवरेज से वो कैसे कितना ज़्यादा लाया है, देखिए टोटल इंक्रीज हुआ उनमें से 30, ओके, टोटल इंक्रीज हुआ 30, इनिशियली कितना था 55, ओके, 55 था वो टोटल इंक्रीज हुआ 30, तो 30 जो इंक्रीज हुआ, एक सेकेंड पानी थोड़ा पी लेता, ओके, तो हम कहाँ थे, हाँ, द एवरेज वेट ऑफ 12% इंक्रीजेस 1.5 केजी, तो 12% अगर 1.5 केजी है तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, टोटल इंक्रीज कितना हुआ भाई, ये हुआ आपका 18 इंक्रीज हुआ, टोटल इंक्रीज हुआ 18, बट जो एक नया पर्सन गया टोटल कितना इंक्रीज हुआ, 18 इंक्रीज हुआ, बट एक बहुत बड़ा है कि जो आंसर में जो नया पर्सन आया वो ऑब्वियसली एवरेज से ज़्यादा लाया होगा, इसका मतलब 55 से ज़्यादा लाया होगा, तो कितना ज़्यादा लाया होगा ना, 55 जो इंक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ, 18 इंक्रीज हुआ, तो ये होएगा 73, अगर वो 73 की जो उसका वेट है, अगर अभी 73 उसका वेट है तो अभी एवरेज इनका क्या होगा, मेंटेन होकर रहेगा। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच एंड डिवाइडेड बाई 98 147 एंड 244 लीव्स रिमाइंडर 234 रिस्पेक्टिवली, इसको आप कर सकते हैं, सबकी माइनस करके भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप से इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी से इसको माइनस कीजिए, 98 से इसको माइनस कीजिए, 147 से इसको माइनस कीजिए, 244 की इससे माइनस कीजिए, उसके बाद उनका एलसीएम निकालिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ए शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8%, इस टाइप का क्वेश्चन अभी सॉल्व किया, तो आप इसको सॉल्व कीजिए 21। ओके, मैं आपको क्वेश्चन जो मुझे लगेगा, हाँ, हो एट ए प्रेजेंट उषा इज 5 टाइम्स अनिता सेज 4 ईयर सेंस, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन उषा एंड अनिता एज विल बी, देखिए क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट बोल रहा है कि उषा एंड इज 5 टाइम्स अनिता, मीन्स अगर अनिता आपका रेशियो 1 है तो उषा कितना है 5 है, इसका मतलब उषा एंड अनिता का रेशियो क्या है, उषा एंड अनिता का रेशियो ये उषा हो गया, ये अनिता हो गया,
इनका रेशियो क्या है, अभी का रेशियो 5:1 मान लीजिए, वो बोला कि आफ्टर 4 ईयर्स इनका रेशियो क्या हो जाएगा 5:2, इन दोनों बीच का डिफरेंस क्या है 4, इन दोनों बीच का डिफरेंस क्या है 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4 है, इसका मतलब है मुझे इनको रेशियो सेव करना होगा। रेशियो अगर सेम करना है तो मुझे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20/8 है, एंड ये हो जाएगा 20, ये अगर मल्टीप्लाई करूँगा 3 यहाँ पे हो जाएगा 15/3। इसका मतलब है अभी इसका है 15/3 एंड 28, अभी देखिए इन दोनों का बीच का 20/8, ये उषा है अनिता, ओके देखिए अभी रेशियो क्या है 15/3, इनका रेशियो 12 गया है, इनका भी रेशियो 12 गया है, इसका मतलब रेशियो सेम हो गया। तो अभी बोला कि कितना इयर्स बाद रेशियो सेम गया, 4 ईयर्स सेंस द रेस्पेक्टिव रेशियो, मीन्स ये बोला कि 4 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर, ये यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 15/20 कितना इंक्रीज हुआ, 5 इंक्रीज हुआ, मीन्स 4 ईयर्स में 5 इंक्रीज हुआ, ओके 4 क्या बोला है भाई यहाँ पे 4 ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ 5 इंक्रीज हुआ, ओके बोला कि व्हाट विल बी द उसेज आफ्टर 7 ईयर्स, ओके तो 7 ईयर में कितना इंक्रीज होगा वो हमको फाइंड करना है, 7 ईयर में कितना इंक्रीज होगा, अगर 4 ईयर्स में इंक्रीज हुआ 5 तो 7 ईयर में 1 ईयर में कितना होता है 4/5/4, तो 7 ईयर में कितना होगा 35/4 ईयर्स इंक्रीज होगा, ओके बोला व्हाट इज द उसेज एज आफ्टर 35, मीन्स नहीं तो आप अभी का निकाल दीजिए 4 ईयर का, मीन्स आप अभी का अगर एज निकालेंगे इनका जो एज का रेशियो है, मीन्स का मतलब है इंक्रीज कितना हुआ 4 ईयर्स, मीन्स 4 ईयर्स का वैल्यू आपको कितना दिया है 4, तो 1 का वैल्यू 1, मीन्स अभी का एज 15 है, इसका 13, समझ में आ गया, अभी इसको रेशियो निकालना है, इसके बाद इसको रेशियो निकालना है, अभी का अगर एज इतना है तो 7 ईयर्स के बाद कितना होगा, वो बोल रहा है 7 ईयर्स के बाद कितना होगा। तो आप इस तरह रेशियो मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे इसको डायरेक्ट आप अपने मेथड से करेंगे, जैसे एट प्रेजेंट उषा इज 5 times तो अनिता एज, तो अनिता का अगर एक्स है तो इसका 5x होगा, तो 4 ईयर्स के बाद इनका जो रेशियो होगा मीन्स 5x सेम चीज आएगा, देखना 5x + x / x + 4 इसका रेशियो जो आएगा 5/2, वो रेशियो से इसका मतलब है 10x + 8 का वैल्यू हो जाएगा 5x + 20, इसका मतलब है 4x का वैल्यू 12, 5x + 20 करेक्ट है, हाँ ठीक है, ये 12 चला जाएगा, इसका मतलब 5x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू क्या आया 12/5, वहाँ पे भी हमारा सेम आया था 12/5, अगर x का वैल्यू 12/5 है तो अभी का क्या है एज, किसका है अभी का जो एज है, मीन्स अभी किसका एज है, अभी दोनों का एज निकाल सकते हैं, एक का है 12/5 एक्स का वैल्यू है, अभी का एज है, एक का है कितना है ना 5 times से इसका, एक का है 12, समझ में आ गया, बोले 4 ईयर्स एंड द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन उषा एंड अनिता विच देन व्हाट इज उषा एज आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years, उषा का एज आफ्टर 7 years में कितना होगा, तो उषा का अभी का एज कितना है, अभी हम ही निकाल लेते कि ये यहाँ आंसर नॉन ऑफ दिस होगा, आप इसको देख लेना, तो अभी का जो एज किसका उषा का क्या है 12/5, 7 years के बाद कितना होगा, बोल रहे 7 years, दैट इज 12 + 35 47/5 हो रहा है, बट यहाँ पे कुछ नहीं गलत है, सॉरी यहाँ पे देखिए उषा एंड अनिता दिया ना, ठीक है ओके ओके ठीक है यहाँ पे 5x + 4/x + 4 इसका जो रेशियो बोल रहा है कि 5/2 है, ठीक है हमने करेक्ट किया था कि 10x + 8 = 5x + 20, इसका मतलब है ये 12 हो जाएगा, मीन्स 5, ठीक है हमारे इसका आंसर नॉन ऑफ दिस होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा, ये बाइक कंप्लीट है जॉइनिंग नहीं 9 years, ये आप कर सकते हैं, ये बिजी मेथड है। इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 times द क्वेश्चन ऑल्सो 5 times द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 40 देन डिविडेंड इज हाउ मच, ये कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपका है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ओके इस फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, एंड बेसिकली इस फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एंड और क्वेश्चन से आपको दिखा रहा हूँ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास PDF नहीं है तो इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप नेक्स्ट जितना भी रीजनिंग क्वेश्चन से उसको भी सॉल्व कीजिए, ओके रीजनिंग है जितना भी और क्वेश्चन से उसको सॉल्व की कोशिश कीजिए, मैं तो देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग सेशन आ गया, तो आप रीजनिंग भी सॉल्व कीजिए कम्प्लीटली, 40 रीजनिंग का जैसे 30 questions है, कम्प्लीटली 30 questions, आप नहीं बोलेंगे 30 questions नहीं है, कम्प्लीटली 30 questions है, ओके पूरा सेट जैसा
आपको मजा आएगा करने के लिए, कंप्लीटली सेट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।